आउसबल्बिशाज़ीम बिमिल्रम्स वरम वर्क आज हमारा चौथा सुपारा है जिसके दो हिस्से हैं एक में सूरत इमरान है और दूसरे हिस्से में सूरत अनसा का कुछ पोर्शन लन तनालब्राहुनफिको इमात हिब्बू वमातफ़िकन शै अलीम तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें खुदा की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर नहीं होगा तो यहाँ से इस सुपारे की इब्तदा होती है और जैसे हम पिछले सुपारों में पढ़ चुके हैं कि नापसंदीदा फटी पुरानी बासी चीज़ें अल्लाह के रस्ते में नहीं देनी चाहिए अच्छी चीज़ देनी चाहिए अब यहाँ पर और उसको ज़्यादा खूबसूरती से बयान कर दिया गया कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से भी देना चाहिए इसका यह मतलब भी नहीं है कि सारा ही पसंदीदा ही देना चाहिए जो आपको खुद अच्छा लग रहा है अपने लिए वही दें मत तो आपकी जो पसंदीदा चीज़ें उनमें से भी दे दें यही नहीं कि जो नई पसंद या जो ख़राब हो गई हैं जो अब आपका दिल नहीं आ रहा वही देते रहें तो ये कोई देना क्या गिना क्या असल देना वही है कि जो अपनी अच्छी चीज़ों में से भी दें आप अपनी पसंदीदा में से भी दें फिर आयत नंबर नाइन्टी फ़ाइव में फिर हज़रत इब्राहिम की वही सिफात का तस्करा है कि हनीफ़म वमाकाना मिनलमशरक़ीन के वाल की तरफ यखसूस थे और वो मशरक़ नहीं थे अगली आयत नाइन्टी सिक्स में अल्लाह सुबहान ने अपने घर की फजीलत बयान की कि इंसानों ने जो इबादत करनी थी उसके लिए अल्लाह सुबह तुम पहला घर बनाया वो यही हमका में जिसको हम खाना क़़बा के नाम से जानते हैं और अगली आयत में मकाम इब्राहिम का भी तस्करा है कि यह अमन वाली जगह है और हज की फ़र्जियत की बात भी आ गई कि जिसके इस्तात है तो उसके लिए अल्लाह की तरफ़ जाना अल्लाह के घर का हज करना ये ज़रूरी है और हदीस में भी आता है कि हज का फ़र्ज़ पूरा करने में जल्दी करो क्योंकि तुम में से किसी को पता नहीं है कि इसको कौन सी रुकावट पेश आ जाए फ़िरात नंबर एक से आगे अहिल ईमान से मुखातब होकर अल्लाह सुबहाना तला ने कुछ अहकाम फरमाए नंबर एक तो ये कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो कैसा तकवा कि जैसा कि हक है उससे तकवा करने का और तुम्हें मौत सिर्फ़ इसी हाल में आए कि तुम मुसलमान हो और आगे फरमाया वा तेहबिल्ल जमिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो यानी एक मिलकर एक जमात की शक्ल में उसको थाम के रखो और अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरानी मजीद है यानी कि कुरानी मजीद के साथ सब जुड़ जाएँ वला तफर रखो और तफ़र्का ना करें और वज़ करुन एमत आलकुम कुन तुम आदा अन फ फ़लफा बुलू भी कुम फुम बे नख़वाना अल्लाह के उस एहसान को भी याद करो जो उसने तुम पर किया जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे उससे तुम्हारे दिल जोड़ दिए और इसके फजलोकम से तुम भाई भाई बन गए यानी इन अदर वर्ड्स जहाँ हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे मिल के थाम के रखो और तफ़रके में ना पढ़ो वहीं ये भी हुक्म है कि अल्लाह की नियमत को याद रखो कि तुम्हें इतफ़ाक़ दिया दुश्मनियाँ तुम्हारे अंदर से दूर की तो ये अल्लाह की नियमतें याद रखने से ही इंसान इकट्ठे हो सकता है अगर शिकवे करते रहेंगे तो वो इतफाक़ कभी नहीं रहेगा तो किसी भी मामले में अपनी ख़ानदानी जिंदगी हो इजमाही ज़िंदगी हो जब शुक्र के ऊपर तोज् करेंगे तो इतफाक़ होगा जब ना शुक्र के रस्ते पर चलेंगे तो ना इतफाक़ी होगी हदीस में यह भी आता है कि अल्लाह की किताब अल्लाह की वो रस्सी है जो आसमानों से ज़मीन तक लटकी हुई है और एक हदीस में यह भी आता है कि जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा तुम्हारे हाथ में और फिर साथ ही अगली आयत में यह भी हुक्म दे दिया ये जो अहकाम आ रहे हैं के लिए उसमें यह भी हुक्म आ गया कि वल तकमिन को मम्मत हुई तो नाल ख़ैरी वरू न बिलमारूफी व यिन हो न अनिल मुनकर यानी अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल बुनकर का हुक्म आ गया कि एक ग्रूप ऑफ़ पीपल तो ऐसा होना ही चाहिए उम्मत के अंदर कि जो ये काम करे कि नेकी का हुक्म दे और बुराई से रुके असल में ये ही लोग कामयाब हैं और क्या करना है जी के वला तल्लाज़ीन कफ़ तफर रखो वख तलफ़ु इम बाबा का तोलाहम अज़ापन अज़ीम और ऐसे लोगों की तरह नहीं होना कि इलम आने के बाद जिन्होंने झगड़े किए रोशन निशानियाँ पता चल गई आ गया तो फिर वलाफात में और तफ़र्कों में पड़ गए ऐसों के लिए बड़ा अज़ाब है अब ये देखिए कि ये जहात की वजह से तफ़रके बनते हैं इल की वजह से इतफाक़ हो जाता है तफ़रक़े ख़त्म हो जाते हैं झगड़े और अख्तलाफा लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं अब जहाँ इल्म होता है वहाँ पर झगड़ों की ये नोयत नहीं होती कि जो ला इल्मी और जहालत की वजह से लोगों के अंदर होती है क्योंकि इल्म तो इख्तलाफ़ का हुसन सिखाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि इल्म हासिल भी करें इंसान और जो इल्म आया तो उसके बाद उस रोशन निशानी को देखने के बाद तफरके में ना पड़े बल्कि समझे चीज़ों को और सही रुख इख्तियार करें आयत नंबर 110 में उम्मत की खूबसूरत तारीफ़ की गई है कि ये और ज़िम्मेदारी भी बता दी गई है साथ ही यही ज़िम्मेदारी कैमरबिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना और अल्लाह पर ईमान लाना इसी काम के लिए ये उम्मत लोगों के दरमियान उठाई गई है यही इस उम्मत का मकसद है तो जो उम्मत मोहम्मदिया में शामिल है उसको अपनी जिम्मेदारी बताओ क्या है अमर बिलमारूफ करना नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना और अल्लाह पर ईमान लाना तो अब अगर वो खुद ये काम करता होगा तो ही दूसरों को कहेगा जो खुद कहेगा अमर बिलमारूफ वही करेगा जो खुद नेक काम करता होगा नहीं मुनकिन वही करेगा जो खुद बुराई से बचता होगा और अल्लाह पर ईमान लाए तो ये क्या है ये यही कामयाबी का रास्ता है ना खुद इस पर अमल करेगा और दूसरों को बताएगा तो ही तो ये कामयाबी का रास्ता है फिर आज नंबर वन वन सिक्स में अहल कुफर के बारे में बता दिया कि उनके जो माल और औलाद हैं चाहे वो कितने ही ज़्यादा कसीर हों तादाद में वो किसी काम आने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि आखरत में वो उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं देंगे और इनके लिए मुस्तकिल तौर पर हमेशा की जहलुम है तो ये कुफ़र के साथ जो शख्स हो होगा तो वो हमेशा जहलुम में ही रहेगा चाहे दुनिया में उसके पास कोई भी चीज़ हो फिर आयत नंबर वन वन एट में ऑनवर्ड्स बहुत खूबसूरत बातें मुसलमानों को सिखाई गई कि गैर जमातों को यानी कि गैर मुस्लिमों को काफ़िरों को जो तुम्हारी दुश्मनी पर उतर आते हैं उनको अपना राजदार ना बनाओ क्योंकि वो ऊपर ऊपर से तो तुम्हारे हामी बन जाएंगे और असल में वो तुम पर गैज़ वज़ब का शिकार रहते हैं कि किसी तरह तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे कोई चाल उनकी तुम्हारे खिलाफ चल जाए तो यहाँ पर अल्लाह ने एक असूल भी बता दिया व इन तस्वीरू व तकू ला य तोरुकम कही तो हम शही आगर तुम सब्र करके रहोगे और अल्लाह का तकवा रखोगे तो उनकी कोई चाल तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो ये दो चीज़ें एक सब्र और एक तकवा अल्लाह का डर ये दो चीज़ें अगर इंसान के साथ हैं इंसान के अंदर मौजूद हैं तो फिर उसे किसी की चाल का डर नहीं होना चाहिए बड़ा आसान सा नुस्खा बता दिया गया चालों साजिशों से बचने के लिए इज्तमाही पर और पूरी उम्मत की हैसियत से भी और इनफ़रादी तौर पर भी एक तो सब्र का दामन थाम के रखें और दूसरा अपने दिल में तकवा रखें खुद गलतियाँ ना ऐसी करें ख़ुद दूसरों के ख़िलाफ़ वो काम ना करें जो अल्लाह को नापसंद है फिर इसके बाद जंगे हदर जंगे बदर का एक शॉर्ट सा तस्करा आता है और अल्लाह ताला की मदद का भी जिक्र आता है कि किस तरह अल्लाह ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद भी की थी आयत नंबर वन थर्टी फ़ोर में फिर मतकी लोगों का ही एक और उनके उसाफ़ बताए गए अज़ीनाफ़िकून फ़िस व्राई वलकाजिमीन वलआफ़ीना अननास व ला यबालमुहसिन के वो खुले भी खर्च करते और छुपे भी यानी सामने एलानिया भी ख़र्च करते और अल्लाह की खातिर इस तरह भी खर्च करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता छुपा हुआ वल वलकाज़म अल्स गु़स्से को पी जाते हैं वल वलाफ़ी नन्नास लोगों के कसूर भी माफ़ कर देते हैं वल्लाहु वल्लाबलमहुहुहुहसिन ऐसे महसिन से अल्लाह मोहब्बत रखता है तो ये उनके औसाफ और बताए गए तो ज़रा साथ ही हम भी इन चारों चीज़ों में अपना जायज़ा ले लें कितना ऐलानिया कितना छुपा के खालस नीत के साथ अल्लाह के लिए खर्च करते हैं गु़स्से को पी सकते हैं या नहीं अभी रोज़ों में भी ख़ास तौर पे लोगों को गुस्से का इजहार बहुत करते रहते हैं तो याद रखें कोई भी लड़ा हो तो क्या कहना चाहिए इन्नी सा इमन, मैं तो रोज़ेदार हूँ यानी मैं बदकलामी नहीं करूँगा और वलाफी लाफ़ी ना लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं और जब उनसे कोई ग़लत काम हो जाता है वह मतलब ये कि उनसे ग़लती हो सकती है मन से भी कोई फोहश भी हो सकता है ग़लती से अल्लाह ना करे कि किसी से हो तो अगर उनसे कोई गुनाह की बात या जुल्म ज़्यादती कुछ हो जाता है तो वो फ़ौर अल्लाह को याद करते, इस्तग़फ़ार करते अपने गुनाहों पर और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते और अपने गुनाहों पर अड़ नहीं जाते वलम यूसरुआलमा फ़ा वहुम यालमून तो गुनाहों पर इसरार जो होता है ना उन पर अड़ जाना वो तो छोटे गुनाह को भी बड़ा बना देता है तो ये जटाई नहीं होनी चाहिए अगर इंसान अपने रोज़ का जायज़ा ले रहा है कि आज मैंने क्या किया सही ग़लत और उसको अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं तो उस पर तोबा तायब हो जाए हो गुनाह के ऊपर शर्मसारी ज़रूरी है नदामत ज़रूरी है शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये क्या है और उस पर माफ़ी इस, पे माफी इस करे तो बग़ैर शर्मिंदगी के अगर इसरार है तो माफ़ी किस दिल से मांगेगा फिर अगर वही काम करता जा रहा है उसी पर शेर होता जा रहा है तो फिर तो माफ़ी क्या है माफ़ी तो नादिम के लिए और फिर ज़िंदगी का एक बहुत ही शानदार असूल बता दिया गया हाँ वो मैदान जंग है या अमन का कोई मकाम है घर है या बाहर है जहाँ भी हैं आयत नंबर वन थर्टी नाइन याद कर लें वला व वला तहनू व ला तहसनू व अनतमला इनकुन तुम मुन दिल शिकस्ता भी ना हो गम भी ना करो अगर तुम अहले ईमान हो तो तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही बुलंद रहोगे तो ये जो बुलंद होने का बहुत शौक़ आता है ना सबको तो ये तकब्बर करके बुलंदी हासिल नहीं होती ये ईमान से बुलंदी हासिल होती है और ईमान आजी है तो आजजी के साथ ईमान वाले कामों के साथ तकवा के साथ सब्र के साथ जितने भी ईमान के ख़ायल हैं उनको जितना जितना अख्तियार करते जाएँगे उतना ही ज़्यादा बुलंदी हासिल होगी यानी अपने मद् मुकाबल से बढ़कर अपना ईमान बनाएँ कुफर और इस्लाम की जंग में भी ये जो पीछे तस्करा है जंगे वहद और जंग बदर का तो अगर अहले ईमान ईमान में आगे होंगे तो अल्लाह ताला तो उन्हीं की मदद करेंगे उन्हीं को गालब रखेंगे और जंगे उद के तनाजर में यहाँ पर जो मुसलमानों को चोट लगी थी तो इसमें भी अल्लाह ताली ने बताया कि जंग में तो फ़तः व शिकस्त होती रहती है सीखने के बहुत से सबक होते हैं कभी ईमान की कोई कमज़ोरी हो और थोड़ा सा ज़ख्म खा के उसकी असलाह अल्लाह ताला ने कर दी किसी जंग के मौके पर फिर दोबारा फ़तह हासिल करवाई तो इस तरह अल्लाह सुबान ताली की तरबियत का अपना एक अंदाज़ है और उसमें मुख्त मज़ात नींद का गलबा और इन सब चीज़ों का जिक्र आता है जो इन आयात में हम पढ़ते हैं फिर आयत नंबर वन फिफ्टी नाइन में आप सल्ला वसलम के कमाल أخلاقك آیا آياتك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لنفت من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ए पैगम्बर ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाक़ हुए हो मगरना अगर कहीं तुम तुंद हो और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिर तो पेश से छट जाते इनके कसूर माफ़ कर दो इनके हक़ में दुआ मफ़रत करो और दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो फिर जब तुम्हारा आज़म किसी राय पर मुस्कम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो अल्लाह को वही लोग पसंद हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं सुबह अल्लाह तो ये जंगे अहद के तनाज में सारा चलता आ रहा है वाक़ में लेकिन यहाँ पर जो हमारे सीखने के अहकाम में से बातें नंबर एक नरम दिली नरमी नरम मिजाजी और ये सबसे पहले ज़ुबान से पता चलती है हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह नरमी पर इतना देता है जितना किसी को किसी और चीज़ पर नहीं देता तो आप सल्ह वसलम के बुलंद अखलाक थे कि लोग आपके इर्द गिर्द जमा रहते थे ये अल्लाह का आपके ऊपर ख़ास फ़जल था तो अभी आप अपने लिए भी सोच लें कि आप किसी ऐसे बंदे के पास आस पास रहना पसंद करते हैं जो ज़बान से ही इतनी अजियत देता हो बद अखलाक हो वह झगड़ालू हो तो जब खुद नहीं पसंद करते तो अपने ऐसे अखलाक के बारे में क्या ख़्याल है क्या आप के पास लोग आना पसंद करते होंगे अगर आपका ये अखलाक है तो अपने अखलाको को दुरुस्त करना ज़रूरी है नरम में और सब पहले ही ज़ुबान से पता चलती है और असल में होती है दिल में तो ख़ाली ज़ुबान में अगर नरमी रखी हुई और दिल में बुक्स और गंदगी और सख्ती और झगड़ालू पन रखा हुआ है तो वो थोड़ी देर बाद छट के ज़ुबान से ज़ाहिर हो ही जाएगा तो ये बायदा एक प्रैक्टिस से ही इख्तियार कर सकते हैं इसको अपनी एक तरबियत करना ख़ुद और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताया गया कि इनको माफ़ कर दे से जो गलती हुई जंगे वहद के दौरान तो इतना बड़ा वाक्य हो गया फिर भी फुकम हुआ फ़ाफुअम वस्ता फिर हूँ इनके लिए बख्शिश तलब भी करें अल्लाह से माफ़ी मांगें क्योंकि यह अहले ईमान है ना और इनको अपने मामला में मशूरे में शामिल भी रखें यानी कि इज्तमाहीमूर में गलती हो जाए ना नदामत हो जाए लोगों को तो फिर दरगुजर करना माफ़ कर देना फिर मशवरे में शामिल रखना कट ऑफ ना करना मिलजुल कर चलना ये अल्लाह को पसंदीदा है फैज़ा आज़म तफा तोल अल्लाह दूसरी चीज़ ये कि जब किसी चीज़ अच्छे नेक काम का इरादा कर लिया जाए तो फिर अल्लाह पे भरोसा रखा जाए अल्लाह भरोसा रखने वालों को पसंद करता है बार बार डावा डोल हो जाना डगमगा जाना यूँ नहीं करना चाहिए अल्लाह पर तोल किया है कोई अच्छा इरादा किया है तो उस अच्छे इरादे को तकमील तक पहुँचा दें और अगली आयत में फिर यही बताया गया कि मोमिन अल्लाह ही पर तोल करते हैं अब जहाँ भी जंगों का ज़्यादा तस्कर आएगा ना वहाँ आप तवक्ल की बहुत ज़्यादा बात पढ़ेंगे कि अल्लाह पर अल्लाह का तकवा अल्लाह का तवक् सब्र ख़ानदानी ज़िंदगी के अमूर हों या जंग के महाज़ हों दोनों में ये ख़ास तौर पर इन बातों का तस्करा मिलता है क्योंकि यही और साफ काम आते हैं अल्लाह के हुक्म से इसके बाद आयत नंबर 169 से 171 तक शहीद की दर्जे बताए गए हैं कि जो अल्लाह के रस्ते में फोत हो जाए तो वो मुर्दा नहीं बल्कि शहीद कहलाता है और अल्लाह ताला उस तहतरीन अजर सवाब है फिर जंग थी कि वाक़ात की कंटिन्यूएशन में कुछ आयते हैं उसमें बहुत सबक़ आमो चंद आयते हैं आयत नंबर वन सेवनटी थ्री से देखें अज़ी क़ालसुन नासाकमाऊल फ़ख़ो उम फ़ात इमाना वक़ाल हसब्लामील फ़न कल अबूबिनतिन वफ़लमय सूउन व तबा रस्सवानल्लासलम और वो जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ़ बड़ी बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं उनसे डरो यानी लोगों ने उनको डरावा देना चाहा तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है हसपन वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फ़ज़ल के साथ पलटे इनको किसी किस्म का ज़रर भी ना पहुँचा और अल्लाह की रज़ा पर चलने का शर्फ भी इन्हें हासिल हो गया अल्लाह बड़ा फ़जल फरमाने वाला है अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से खां खा डरा रहा था लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से ना डरना मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो तो ये छोटा सा एक पोर्शन है जिसमें एक बहुत खूबसूरत मैसेज है कि कभी इंसान वैसे तो ये हद के कॉन्टेक्ट में सारी बातें आ रही लेकिन आम सबक सीखने भी चाहिए तो अगर आम तौर पर कभी भी ऐसा हो कि खौफ लाख हो जाए बंदों का या डर लगे कि किसी चीज़ से खुफसत हो तो क्या कहें हसपन अल्लामकील तो इन शुकान के उस सिचुएशन से बाहर आएंगे अल्लाह के हुक्म से और यह भी पता चला कि अगर अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह से डरना चाहिए बंदों से नहीं डरना चाहिए बस इसमें एक बारीक और छोटा सा नुकता ज़रूर समझें कि अपने ईमान को भी दुरुस्त रस्ते पर रखें अल्लाह पर भरोसा करें लेकिन अल्लाह के साथ मामला दुरुस्त हो तो ये भरोसा ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस सूरत के आखिर में मैसेज दे दिया गया या अयु लजीन आमस्स बिरु व स्वाबिरु व रा बतू व तकुल्लकुम ला तुफ्हून ए लोगों तो ईमानदार हो सबर से काम लो बातिल परस्तों के मुकाबले में पामरती दिखाओ हक़ की ख़िदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो उम्मीद है कि फ़िलाह पाओगे यानी कामयाबी का नुस्खा बताया गया क्या इस बिरू खुद सबर करो व शवाबिरू और एक दूसरे को भी सबर की तलकिन करो व जिहाद के लिए तैयार रहो बातिल परस्तों के मुकाबले में बहादुरी दिखाओ मत तक अल्लाक और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ तो ही असल कामयाबी की ज़मानत है इसके बाद सूरत अनसा शुरू होती है अल बकरा में बहुत सारे कवानी बताए गए और उसके बाद सूरत नसा में ऐसे बहुत सी बातें और शामिल की गई कि इंसान इजमाही ज़िंदगी किस तरह दुरुस्त तरीके पर गुजारे ख़ानदानों की तंजीम के असूल बताए गए निकाह पर पाबंदियाँ आयद की गईं माशरत में औरत और मर्द के तल्क़ा की हदबंदी और यतीमों के हक़ भी बताए गए वरासत की तकसीम का बाबा निज़ाम मुकर किया गया और माशी मामला की दुरुस्ती के मतलब भी हिदायत दी गई तो इस तरह एक बहुत ही डिसप्लेंड वे में जो अल्लाह सुबहान तौने कुछ कवानी बताए वह सूरत के अंदर बयान करती है बिसमरमी याबाकुम खल मिन नफसम वाहिद व ख़लका मिना जो चह वसा मिन हमारन कसर आ व तक लजी तसा नबी वरहाम कानाकुमरक़ीबा लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए इस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक़ मांगते हो और रिश्ता और कराबत के तल्ल को बिगाड़ने से परहेज़ करो यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है तो यहाँ इंसानियत के रिश्ते के तहत के सब इंसान एक दूसरे के साथ किस रिश्ते में मरबूत हैं कि हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो इसी रिश्ते के साथ अल्लाह ताला का ताल्लुक बयान किया कि अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे को रिश्तेदारी के वास्ते भी देते हैं तो फिर इन रिश्तेदारी को कायम करें इनको तोड़े नहीं तो सिला रहमी का हुक्म है क़त रहमी से मना किया गया है फिर आगे यतीम लोगों के हकूक़ बताए गए हैं उनके माल उनको पहुँचाना और उनके माल तब्दील करके खबीस गलत ख़राब माल उनको ना देना बल्कि उनका जो हक़ है जो राइट उनका है वो उनको एज़ इट इज़ पहुँचा देना और यतीम औरतों के बारे में भी उनके हकूक़ बयान किए गए फिर जाहलीत में कहा की कोई हद मुकर नहीं थी तो हद मुकर करती गई कि ज़्यादा से ज़्यादा चार निका हो सकते हैं और अगर समझे तो एक ही बेहतर है फिर महर की अदायगी का हुक्म भी दिया गया और साथ में यह भी बता दिया गया कि जिस माल को अल्लाह ताला ने त्याम का ज़रिया बनाया हुआ है ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए वो किसी को अता किया हुआ है तो उस बंदे को भी एहसास होना चाहिए और उसको चाहिए कि वो उस माल को फसाद के कामों के लिए किसी ऐसे शख्स के हवाले ना करें कि जो ख़ुद ही बेवकूफ़ है उसे अक्ल समझ ही नहीं है कि राइट वे कहाँ अच्छा अब हम ये इस आयद को अल्लाह के हुक्म के तहत देखने की ज़रूरत है वरना आजकल जिसके पास माल होता है वो सोचता है कि मैं ही समझदार हूँ दूसरा जो हकदार है अगर उसको दे दिया तो वो तो बेवकूफ़ है ऐसी क्राइटीरिया इसका मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि हकदार को तो हक़ देना है मगर आपके पास जो चीज़ है अपनी वो भी अल्लाह की अमानत यह बेशक दुनिया में आप उसके मालिक बने तो आप उसको ऐसे लोगों के हवाले ना करें जो इतने नादान हैं कि उनको उसका सही और गलत का इस्तेमाल का फ़र्क़ नहीं पता और वो इससे नज़ाम ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगे फिर आगे मज़ीद यतीमों के और भी हकूक़ बताए गए और वरासत के अहकाम तो वरासत के अहकाम हो या वसीयत के इसके लिए जो अल्लाह ताली ने मैार मुर किया है जो हदूद कायम की है उनके अंदर ही रहना पड़ता है अगर उससे अपनी मर्जी करें अल्लाह ताला के हदूद को क्रॉस करें तो सख्त गुनाह होता है इन कवानीन से पता चलता है कि अगर इस कानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की गई तो अल्लाह की गिरफ्त से आदमी नहीं बच सकता और ये भी पता चलता है कि अल्लाह ने जो हिस्से मुकर किए हैं विल्कुल सही हैं क्योंकि बंदों की मसलहत जिस चीज़ में है अल्लाह इसको ख़ुद बंदों से ज़्यादा बेहतर जानता है और अल्लाह की सफ़त यानी इसकी नरम खोई का ज़िक्र इसलिए भी आता है इनायात में कि अल्लाह ने यह कवानी मुकर करने में सख्ती नहीं की बल्कि ऐसे कायदे बनाए हैं जिनमें बंदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत है ताकि वो मशक्क़त और तंगी से बचें और आखिरी आयत जो इस पारी की है उसमें बहरम रिश्तों के बारे में बता दिया गया है واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته